उम्र अय्यार। कोई तीस भी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ किरण खान। आए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अफगानिस्तान ने पहली बार भारत को बरास्ता पाकिस्तान 8,000 टन प्याज भिजवा दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की क़यादत कौन करेगा ऐलान हो गया। बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक मुशावरत के लिए गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुँच गए। नाज़रीन आपने हेडलाइन जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार 8,000 टन प्याज भिजवा दी। अफगान अबूरी हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबा कनर से पाकिस्तान के रास्ते भारत को ताजरों ने 9,10,00,000 अफगानी से ज़ायद मालियत की प्याज बरामद की है। अफगान अबूरी हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार 8,000 टन प्याज भिजवाई है। अफगान अबूरी हुकूमत के अहलकार के मुताबिक अमारात इस्लामिया की हुकूमत के क़याम के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक को बरामदात में इजाफा हुआ है, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी बरामदात की सतह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में आइंदा साल चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद होगा, जिसमें भारतीय टीम की क़यादत कौन करेगा इस हवाले से BCCI ने बता दिया। भारत हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है और आलमी चैंपियन बनने के साथ ही टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान के साथ ही आइंदा वर्ष पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चैमगोइयां हो रही थीं कि अगले इवेंट में भारतीय टीम की क़यादत कौन करेगा। ताहम इस हवाले से अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ब्लू शर्ट्स की क़यादत रोहित शर्मा ही करेंगे। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में गुज़श्ता एक साल में 3 फाइनल खेले और T20 वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने मज़ीद कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और मुझे भरोसा है कि रोहित की कप्तानी में भारत ये दोनों इवेंट्स जीतेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि T20 वर्ल्ड कप की जीत राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, कोहली और जडेजा के नाम करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। गैरी क्रिस्टन को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बुलाया है। उनको मुस्तकबिल के फैसलों की मुशावरत के लिए बुलाया गया है। बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने से मुतल्लिक गैरी क्रिस्टन से मुशावरत अहम है, जबकि गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। गैरी क्रिस्टन ने टीम की कारकर्दगी पर तफसीली रिपोर्ट दी और कई सवालात उठाए। मुस्तकबिल में तब्दीलियों के लिए मोहसिन नकवी साबिक कप्तानों से भी मुलाकात कर रहे हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी मिल रहे हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को भी इंग्लैंड से बुलाया गया है। रेड बॉल टीम के कोच जैसन गैलेस्पी भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा। और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।